गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रवेश सर क्लासेस। दोस्तों बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ओके, यहां पर भी बड़ा है स्क्वायर 6 to the 12 प्लस का 5 17 कुछ हो सकता है। ओके नहीं बन रही बात। ओके क्या मैं इन दोनों को प्लस कर सकता हूँ बड़े वाले नंबर को? क्योंकि जब हमारे पास दो बड़े नंबर होते हैं और छोटा नंबर हमें फाइंड करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एड वेड या फिर मल्टीप्लाई करके डिवाइड या रूट वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर हम इन दोनों को प्लस करके देखते हैं, ये कितना है आपके पास में 12 4। इसको मैं अगर 6 से डिवाइड करूं तो इसका मतलब क्या है 7। ओके यानी कि सिंपल सी बात है, मैं इन दोनों को प्लस करूं और अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो मेरे पास 6 आना चाहिए। एक बार फिर देखते हैं, क्या इन दोनों को मैंने प्लस किया, ये 25 और ये 17, जब मैंने इसको जोड़ा तो ये 42 आ गया और 42 को अगर मैं 7 से भाग करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 6 आएगा। सो इन दोनों को ऐड करने पर और 7 से डिवाइड करने पर अगर 8 आएगा तो मेरे पास एक लॉजिक है जिससे मैं इस आंसर को फाइंड कर सकता हूं। 8 8 16, 4 and 5, 7 से मैंने डिवाइड किया तो कितना है 8, मतलब कि फर्स्ट टू टॉप की वैल्यू को मुझे ऐड करना है, 7 से डिवाइड करना है तो मुझे ये वाला नंबर बीच वाला नंबर मिल जाएगा, ये बीच वाला नंबर मुझे मिल जाएगा। तो सेम इन दोनों को मैं ऐड करता हूं, जब मैंने ऐड किया तो कितना आएगा मेरे पास में 5 105, और 105 को 7 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास में 15 15, मेरा ऑप्शन बी है। दोस्तों आप इस तरह से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, या फिर इन दोनों को आप ऐड करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 7 आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे तो भी आपके पास 7 आएगा। तो इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो ऑप्शन में से वैल्यू कोई भी उठाएंगे उसे डिवाइड करेंगे तो आपका कॉमन नंबर 7 ही आना चाहिए। ये तो मेरा लॉजिक था जिससे मैंने आपको आंसर दिया। ये रहा कमेंट बॉक्स आपके लिए, आप इसमें अपना आंसर और अपना मेथड और अपना टाइम, आपको कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सो ये तो रहा क्वेश्चन और ये है आपके लिए क्वेश्चन द डे। पूरे 24 आवर्स हैं आपके पास में, लगा लीजिए पूरा दिमाग और कर दीजिए सॉल्व। सो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।